पर आज हम बात करेंगे डीएलएड बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2023-24 के अंतिम चरण की जो आवंटन प्रक्रिया है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है उसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। उससे पहले हम जो चरणवार या विवरण जो दिया हुआ है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो रिक्त सीटों की जानकारी के बारे में आपको बता दें तो ये 13 दिसंबर 2023 को आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये दोपहर 1 बजे तक आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। चलिए आगे बात कर लें एक्टिव और इनएक्टिव आईडी। तो यहाँ पर एक्टिव अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क पंजीयन व विकल्प देने तथा जिन अभ्यर्थियों को लॉगिन आईडी एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव इनएक्टिव आईडी के बारे में मैं ऊपर आपको बता दूंगा। यहाँ पर 14 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर तक उनको फिर से अवसर दिया गया है। प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा वो 19/12/2023 को प्रतीक्षा सूची जारी होगी। प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद महाविद्यालय जो है अपना एक चयन सूची जारी करेगा कि जितने लोगों ने वहां पर फॉर्म फिलअप किया रहेगा और जिनका परसेंटेज हाई रहेगा, जिन्होंने प्री बीएड या प्री डीएड के जो एग्जाम दिए हुए हैं और उनका मार्क्स ज्यादा अच्छा है तो उनका जो वो होगा क्रम होगा वो ऊपर रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट करना। तो ये कॉलेज का काम रहता है, आप कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिए तो फिर 22 दिसंबर 2023 तक कॉलेज अपडेट कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो चरण विवरण हम देख लें, चरणवार विवरण तो देख लिया है लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मुख्य जो बिंदु है वो बताई गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं द्वितीय चरण के चौथी सूची के बाद रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों की आईडी एक्टिव है उन्हें निःशुल्क पंजीयन विकल्प पुनः देना अनिवार्य है। मतलब आपको क्या करना होगा, कॉलेज फिर से चयन करना होगा और कितने कॉलेज को चयन कर सकते हैं यह आगे मैं बता देता हूं आपको। विकल्प पुनः देने के लिए उन्हें निःशुल्क, मतलब आपको अगर कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आपको एक पंजीयन करना जरूरी है, आपकी आईडी एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। चलिए विकल्प किसी एक महाविद्यालय का, तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है आप देख पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पहले क्या होता था कि हम जितने कॉलेज को हमने या जितने कॉलेजों के लिए हम विकल्प फॉर्म भरे होते हैं, जैसे मैंने 50 कॉलेज में अगर मैंने विकल्प फॉर्म भरा हुआ था तो 50 कॉलेज में मेरा, या मैंने 80 कॉलेज सपोज मैंने भर दिया है तो उतने कॉलेज में, 40 कॉलेज भर दिया तो 40 कॉलेज में मेरा नाम पहले आता था। लेकिन अब क्या होगा कि खाली आपको एक ही महाविद्यालय का विकल्प देना होगा, आप 2 कॉलेज 3 कॉलेज आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे पहली बात। तो इसको आप थोड़ा सा सोच समझ कर आप वैकेंट सीट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपका आपका मार्किंग देख लीजिएगा और मार्किंग देखने पर आपको समझ में आता है कि मुझे इस महाविद्यालय में मुझे क्या करना है या इस महाविद्यालय के लिए मुझे विकल्प फॉर्म भरना है तो वहीं के लिए आप भरिएगा। दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया देख लेते हैं। इस प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का लॉगिन आईडी एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है मतलब समझ पा रहे होंगे कि आपका नाम आया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया था, आपने कैंसिल नहीं किया था, आपने रिजेक्ट नहीं किया था तो आपकी जो आईडी है वो एक्टिव नहीं है, वे भी क्या कर सकते हैं, देखिए पुनः पंजीयन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए जो जो भी महाविद्यालय का जो विकल्प है वो निरस्त कर दिया गया है। अब वो यदि वे प्रवेश प्रक्रिया में पुनः शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित तिथि में पुनः निःशुल्क पंजीयन कर किसी एक महाविद्यालय का विकल्प देना होगा। इनको भी एक महाविद्यालय का विकल्प यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखते हैं इस चरण में जिन्होंने अब तक अपना डीएलएड या बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड आवंटन प्रक्रिया में पंजीयन नहीं कराया है एवं महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, मतलब कोई भी आप सामान्य जो ग्रेजुएशन है बीए या बीएससी में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं है ना तो आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। अभ्यर्थी महाविद्यालय का विकल्प चुनने से पहले चिप्स के साइट पर जाइएगा, ये वाला साइट है आप नोट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका भी लिंक दे दूंगा। आपको पीडीएफ, पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक पर, आप जाकर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे हम बात करें प्रतीक्षा सूची में ऊपर के बिंदु 1 व 2 अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों का ही नाम आएगा पूर्व चरणों के विकल्प फॉर्म
पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में ऊपर के बिंदु क्रमांक 1 व 2 अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों का, मतलब एक एक कॉलेज आप क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और एक एक कॉलेज जिस कॉलेज में आप नाम आपने डाला हुआ है या विकल्प फॉर्म डाला हुआ है उसी कॉलेज में आपका नाम दिखाएगा, और उसी कॉलेज में जाकर आप क्या करेंगे, फॉर्म आप फिल करेंगे। वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म नहीं दिया गया है, हम कैसे फॉर्म फिल करेंगे? तो जब तक आपका नाम नहीं आएगा वहाँ पे उस कॉलेज में, तब तक आप या तो फिर आप कॉलेज में जाकर भी आप फॉर्म वहाँ कॉलेज को मांग करके आप फील कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे जो रूल रेगुलेशन है वो पहले के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर कहा गया है महाविद्यालय वार प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी की प्री परीक्षा 2023 के प्राप्तांक जिसके बारे में मैंने बता दिया है उसी पर जारी किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों का नाम एक ही महाविद्यालय में आएगा, एक निर्धारित। मैं आपको बता दूं, ये इसके लिए भी ऐसा है कि अगर एक सीट है तो एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों का नाम दिया जाएगा, और 2 सीट है तो 10 अभ्यर्थियों का नाम दिया जाएगा। मतलब 2 के लिए 10 जो स्टूडेंट है उसका नाम आएगा, और 1 सीट के लिए 5 जो अभ्यर्थी है उनका नाम आएगा। तो ये आप क्लियर समझ लीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा, जैसे आपके कोई महाविद्यालय जहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे 1 ही सीट है और 1 ही सीट के लिए 5 लोग का, आप देख लीजिएगा कि आपकी मार्किंग कैसा है। आपका अगर मार्क्स जो हाई है, सबसे ज़्यादा है, तभी आपका उस कॉलेज में चयन हो पाएगा, आप उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आप देख देते हैं कि वो जो उसमें संशोधन अगर किया है तो इसमें भी संशोधन हुआ है क्या, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि पहले कहा गया था कि 1 सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों का नाम, ऐसा कहा गया था। तो अभी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा रूल जो लिखा है क्या पहले जैसा लिखा हुआ था, तो उसको देख लेते हैं। बाकी ऐसे ही पहले जो आप PDF उठाकर देखिएगा वहाँ पे यही कहा गया था कि 1 सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों का नाम जो है प्रतीक्षा सूची में दिया जाएगा। इसके पश्चात महाविद्यालय आरक्षण रिक्त सीटों के अनुसार चयन सूची बनाएंगे। महाविद्यालय चयन सूची बनाते समय प्रवेश नियम में उल्लिखित आरक्षण प्रावधान छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम 2006 एवं 6 के नियम 9 एवं 10 का अवलोकन कर लेंगे। महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित चयन सूची जारी करना आवश्यक होगा। चयन सूची में अभ्यर्थी के वर्ग एवं संवर्ग की जानकारी अंकित करनी होगी। महाविद्यालय को निर्धारित तिथि में सूचना पटल पर चयन सूची चस्पा करना हो करना आवश्यक होगा। महाविद्यालय को सूचना पटल पर चयन सूची जारी किया है, इसका प्रमाण वीडियो एवं फोटोग्राफ रखना होगा। तो इसके लिए भी महाविद्यालय के लिए जानकारी है कि महाविद्यालय अगर चस्पा किए हैं तो उसकी सूचना पटल की जो जानकारी है वो फोटो या वीडियोस वो अपने पास संभाल के रखेंगे, ताकि आपके ऊपर कहीं ऐसा कोई आपके अगेंस्ट कोई ऐसा कोई शिकायत करते हैं तो वो आपके लिए एक एविडेंस होगा, एक प्रूफ होगा। चलिए बात कर लेते हैं, जिस महाविद्यालय के लिए अभ्यर्थी का नाम प्रतीक्षा सूची में आया है उस महाविद्यालय में चयन सूची जारी होने की निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज या निर्धारित प्रवेश शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय उपस्थित अभ्यर्थियों से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। यदि निर्धारित समय व तिथि में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होंगे तो महाविद्यालय अगले क्रम में छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया का वीडियो एवं फोटोग्राफ्स रखना होगा। तो सारा चीज जो है आरक्षण रिक्त सीटों के अनुसार सूची बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि अगर ST SC OBC में जितने जितने सीट है, अगर वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तब मार्किंग के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ST की सीटें हैं और ST के कोई कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे, तब क्या करना होगा, तब क्या होगा कि ये जो सीट है वो कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट मतलब ये जनरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिनका जो मार्क्स हाई है तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से जो आरक्षण रोस्टर का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो जो स्टूडेंट अगर एप्लीकेशन मतलब अपना आवेदन कर रहे हैं तो वो जरूर ध्यान देंगे इस बातों पर। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।